नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पानी में कपूर डालकर पोछा लगाने से क्या होता है। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग अपने घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाना चाहते हैं। सलीके और खूबसूरत तरीके से सजा हुआ घर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को और भी खूबसूरत बना देता है। सुंदर और सही तरीके से सजा हुआ घर व्यक्ति के सुशिक्षित होने का प्रमाण है। आज की युवा पीढ़ी अपने घर के ड्राइंग रूम और लिविंग रूम को बहुत सलीके से सजाती है। घर की सजावट करना एक फैशन नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। लेकिन अगर घर की सजावट रंगरोगन आदि ज्योतिष और वास्तु के नियमों के अनुसार किया जाए तो घर की सुंदरता और भी बढ़ जाती है और साथ ही घर आंगन में खुशियाँ आती है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को सजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। अगर घर में वास्तु दोष होता है तो आपका घर देखने में चाहे जितना खूबसूरत लगे लेकिन घर में सुख शांति नहीं रहती है। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप घर की निगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। घर की निगेटिविटी दूर करने के लिए करें ये उपाय। निगेटिविटी का अर्थ है कि घर में किसी न किसी रूप में राहु का वास हो गया है और राहु दो चीजों से बहुत दूर भागता है। घर में घी का दीपक प्रज्वलित होने से और कपूर की लौ जलाने से घर की निगेटिविटी दूर हो जाती है। प्रतिदिन आप शाम को कपूर जरूर जलाएं। एक उपाय और कर सकते हैं, उबलते हुए पानी में कपूर की दो टिकिया और थोड़ा सा नमक डाल दें और उस पानी से फिर पोछा लगा दीजिए। विश्वास कीजिए आपके घर से नकारात्मकता चली जाएगी। ऐसे जातकों को मिलता है सरकारी नौकरी का सुख। अगर किसी जातक की हथेली में भाग्य रेखा से एक रेखा निकलकर तर्जनी अंगुली अर्थात गुरु पर्वत तक पहुँचती है तो जातक अपने संघर्ष के बल पर बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है। ऐसे जातक को राजसुख प्राप्त होता है। ज्यादातर ऐसे जातक सरकारी नौकरी करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।